नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में राजनीति अब जिस चरम पर पहुंच चुकी है वो बता रही है कि दोनों दलों में कितनी खलबली है, और दलों में से भी ज्यादा दोनों दलों के नेताओं को बड़ी बेचैनी है। बेचैनी इस कदर नजर आ रही है कि अब दो देश के प्रमुख नेता, एक देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, दोनों अपने आप को फकीर बता रहे हैं। फकीरी का हाल एक ये कि एक प्रधानमंत्री निवास में रहते हैं, सैकड़ों उनके साथ कर्मचारी रहते हैं, उनका खाना बनाने से लेकर उनको तमाम सुविधाएं, गाड़ियां जितनी हैं उनकी संख्या बताने में शायद एक घंटा कम पड़ जाए। वही हाल राज्य की मुख्यमंत्री का भी है, कुछ उसी तरह की सुविधाओं से लैस उनका मुख्यमंत्री निवास भी है, लेकिन वो कहते हैं दोनों कि वो फकीर हैं। आज तक हमने देखा था चुनावों में नए नए नारे गढ़े गए, नए शिगुफे आए, और इस बार मार्मिक अपील के लिए देश के प्रधानमंत्री ने पहले खुद को फकीर बताया और अब राज्य के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हैं, बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री से भी बड़े फकीर हैं। अब दौड़ इस बात की है कि फकीर बड़ा कौन है, और आज अगले एक घंटे हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि वाकई में बड़ा फकीर कौन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल है, राजीव तिवारी जी और जगदीश शर्मा जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, अटल खंडेलवाल बीजेपी से और चेतन प्रतीक सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। तो शुरुआत अटल खंडेलवाल जी आपसे ही करना चाहेंगे, कितने बड़े फकीर मानते हैं आप प्रधानमंत्री को? देखिए मैम, अगर आप उनको देखेंगे तो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल एक सामान्य सा खाना लेते हैं, बिल्कुल वेज खाना लेते हैं, उनके साथ उनका कोई बंधन नहीं है, माने कि उनके न पीछे कोई है न आगे कोई है। तो यदि हम देखें न उनके जो भाई वगैरह हैं उनकी जिंदगी, आप बहुत बार मीडिया पे दिखाते ही है, जितने भी उनकी पीछे की जो जितने भी ब्रदर हैं, मदर थी उनकी, माता जी को लेकर भी आप बहुत सारी शेयर करते थे जितने भी मीडिया वाले हैं, तो उनकी जिंदगी तो बहुत सामान्य है। उससे पहले वो शाखा में हमारे आरएसएस के अंदर थे, वहां भी सामान्य थी, हिमाचल हिमालय में चले गए वहां भी सामान्य है, और यहाँ पर भी जो उनका अभी पहनावा ओढ़ावा या जिसको भी लेकर के आप बहुत सारी बातें बना सकते हैं, वो सारी ये कि हिंदुस्तान के एक भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनका जिस तरीके से बाहर जाने का तरीका होना चाहिए वैसा ही तरीका है। आप देखिए कि यदि आप विकास के दौर में विकास जैसी परंपरा या संस्कृति को नहीं अपनाएंगे और केवल पुराने तरीके से आप, यदि वो हमारे पार्टी ऑफिस आते हैं तो बड़े सामान्य से ड्रेस वेशभूषा में आते हैं, इनके पास वेशभूषा से ज्यादा और कुछ भी नहीं है कहने को। आपको मालूम है अटल खंडेलवाल जी, आपको मालूम है प्रधानमंत्री क्या पहनेंगे, इसके लिए बाकायदा ड्रेस डिजाइनर्स हैं, और वो दिन भर सिर्फ यही काम करते हैं कि कौन से कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को कौन से कपड़े पहनाए जाने हैं और वो किस तरह की वेशभूषा होगी। बहरहाल, शायद आपकी जानकारी में ये ना हो, वडनगर गई थी मैं, जाने का मौका मिला मुझे 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे नरेंद्र मोदी, और उनकी बहन का घर भी देखा, उनके भाई का घर भी देखा, उनकी माँ का घर भी देखा। तो एक सवाल जहन में आया था, वाकई में उनके घर को देखकर, आपके और हमारे घरों से भी ज्यादा सामान्य घर थे उनके, तो सवाल आया कि नरेंद्र मोदी वाकई में स्वहित प्रेषित हैं कि देशहित प्रेषित हैं, क्योंकि अपने परिवार को उन्होंने अपने साथ नहीं लिया। हालांकि उसके बाद आगे पीछे के तमाम तरह की बहुत सारी कहानियां आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आपका मानना है कि प्रधानमंत्री बहुत सिंपल खाना खाते हैं और बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते हैं, तो वो फकीर है? अब आप कैटेगरी हम थोड़ी देर बाद देखिए, मैं हल्का सा मीना जी एक चीज बता देता हूँ कि आप वेशभूषा को लेकर के ही बात कर सकते हैं, जो भी करना चाहोगे वो फकीरी, फकीरी का वेशभूषा से बहुत ज्यादा संबंध है नहीं यहाँ पर जी, क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी एक मर्यादा है, वो भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो वहां एक बात आप कि उनकी ड्रेस बनाने वाले अलग से पूरे डिजाइनर है, बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन बाकी 9 साल के पीरियड में उन पर एक भी दाग ना होना, न कोई परिवारवाद का दाग होना, न किसी दोस्त को सपोर्ट करना, केवल देश की आन पान शान के लिए कोई व्यक्ति अगर जीता मरता है तो फकीरी में ही है, मेरा ऐसा मानना जी। तो ये जो दावा करता है व्यक्ति कि वो देश की सेवा के लिए, देश के समर्पण के लिए पूरी तरह समर्पित है, वो ही फकीर है आपके लिहाज से, अगर आप बिल्कुल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जो देश के लिए मरता मिटता है। प्रतीक सिंह जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश के तो उतने बड़े सेवी, जितने बड़े नरेंद्र मोदी हैं उतने खुद को नहीं बताते हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा राजस्थान में लगता है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, आप उनको कितना बड़ा फकीर मानते हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, दो चीजों पे डिस्कस करना चाहूंगा मैं। अटल खंडेलवाल जी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है इस देश में भाई होना, बहन होना, माँ बाप होना, दोस्त होना, ये गुनाह हो गया है, ये गुनाह हो गया है। अगर आपका भाई है तो गुनाह है, आपकी माँ बाप है तो वो गुनाह है, आपकी पत्नी है तो आप या तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो वो गुनाह है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी के एक एक तरीके का फकीरी का ये पैमाना है। दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि फकीर हैं, आप देखिए दिन भर में 4 या 5 तो परिधान बदलते हैं, 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं, 1,00,000 रुपए का पेन रखते हैं मॉन्ट ब्लैंक का, और 20,000 करोड़ रुपए का अपना महल बनवा रहे हैं। इस दुनिया में अमीर से अमीर देशों की संसद भवन या फिर प्रधानमंत्री का जो भवन है, राष्ट्रपति का जो भवन है, वो 300-400 साल पुराना है। अमीर जमीर, अमेरिका की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, इटली की बात कर लीजिए, लेकिन हमारे अगर 100 साल पुराना हो जाता है तो नया महल बनना चाहिए। तीसरी बात, अब ये कह रहे थे कि किसी मित्र का आरोप नहीं लगा, मित्र की मदद करने का, तो मित्र की तो मदद कर रहे हैं, उसके अलावा कर क्या रहे हैं? अडानी को पोर्ट दे दो, अडानी को एयरपोर्ट दे दो, अडानी को माइंस दे दो, अडानी को कोयला लाने की इजाजत दे दो, अडानी को बिजली बेचने की इजाजत दे दो, तो दोस्त के अलावा कर क्या रहे हैं? आप मुख्यमंत्री पर क्वात्रेची को दे क्या, या किसी किसको दे, फाइजर को दे या मॉडर्ना को दे? देखिए अब बीच में बोलने लगे, बढ़िया है भारतीय को तो दे। अटल जी उनको बोलने, ऐसा लगता है कि बीच में बोल बोलने लगी जब तो बीच में बोलने लगे। मुझे बोलने दीजिए, अगर आप में सुनने की क्षमता है तो सुनिए, मैं आपको पूरी क्षमता के साथ सुना था और आप आगे। प्रतीक सिंह जी विषय पर रहिए, सवाल था मुख्यमंत्री अपने आप को फकीर बताते हैं? मीना जी बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, ये मुद्दे की बात थी, क्योंकि प्रधानमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री फकीरी की बात कर रहे हैं। इनमें से एक बात आप मुझे बता दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है, अशोक गहलोत जी एक गांधीवादी नेता है, साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं और साधारण तरीके से रहते हैं, और उन्होंने अभी पिछले दिनों भी कहा, ये बोले ईडी इनकम टैक्स जिसको आना है आ जाइए ना हमारे पास में, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फकीर आदमी हम, तो जिसको आना है हम वेलकम कर रहे हैं, जहां आना है हम वेलकम कर रहे हैं, आइए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और रहने का जो तरीका है, जो गांधीवादी तरीका है अशोक गहलोत जी का, ये मैं नहीं कह रहा, आप सड़कों पे निकलिए, राजस्थान की जनता से पूछिए, राजस्थान की जनता बता देगी कि ऐसा गांधीवादी नेता आज की तारीख में तो कम से कम राजस्थान में नहीं है। जी, गांधीवादी नेता और सहज स्वभाव और एक ही तरह के कपड़े आपने बताया, ये फकीर की पहचान होती है। शिवत्सन जी, मुख्यमंत्री जब ये बात कह रहे थे तो प्रधानमंत्री पर पलटवार करना उनका मकसद था, जनता की मनोभावनाओं को अपनी तरफ लाना उनका मकसद था, या वाकई में जो जीवन शैली वो जीते हैं उसे जनता को बताना उनका मकसद था? मीना जी देखिए, मैं हमारे कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं के अपने अपने नेताओं के लिए जो भावना है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन यह समझना हो कि अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है वह केवल बयान नहीं है बल्कि तंज कसा गया है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही पीएम पर सूट बूट की सरकार होने का दावा आरोप लगाती रही है, तो ये एक तरह से तंज कसने की कोशिश की गई है कि कितनी आलीशान जिंदगी जीते, अपने आप को चाय वाला बताने के बाद भी अलग अलग तरह तरह के ड्रेस वो पहनते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से तंज कसने की कोशिश की गई है। दूसरा इसका पहलू ये भी है कि राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से जैसे जैसे चुनाव पास आते जाते हैं वैसे वैसे
ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनके छापे पड़ते जा रहे हैं और ये सभी छापे अशोक गहलोत के करीबी, यहां तक कि उनके भाई के घर भी पड़ चुके हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने यहां पर एक बार फिर से तंज कसने की कोशिश की है कि देखिए हम, मेरे पास, मेरे को कोई डर नहीं है, जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसी है राजस्थान आए, छापा मारे, कुछ भी करे, मुझे कोई डर नहीं है। और उन्होंने एक लाइन बोला कि मैंने न तो अपने जीवन में कोई प्लॉट खरीदा है, न कोई फ्लैट खरीदा है, एक ग्राम सोना भी नहीं खरीदा है, तो मुझसे बड़ा फकीर और कौन हो सकता है। यानी कि ईडी इनकम टैक्स की कितनी भी छापामारी कार्रवाई राजस्थान में करवा लीजिए मेरे 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 खिलाफ, तो मेरे घर से उनको कुछ नहीं मिलेगा, इतना मेरा दामन पूरी तरह साफ है। वो बार बार ये भी बोलते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री या एमएलए और पूर्व सांसद, जब वो सांसद थे तब उन्हें जो प्लॉट दिल्ली में मिला गया था, जो प्लॉट जयपुर में मिला था वही है, उसका उन्होंने ईएमआई भी चुकाया है। अपने आप को एकदम साफ तौर पर छवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक भी करप्शन का चार्ज उन पर नहीं है और जो कुछ है आके जांच कर लीजिए, उन्होंने अपनी अपनी बता दी। तो एक तरह से तंज है इसे, ठीक है, जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हैं अपने अपने नेताओं के हिसाब से ये ठीक ले रहे हैं कि सादगी भरा जीवन, अच्छा सादगी भरा खाना, तो वो कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि चाहे बात मोदी जी की जाए या अशोक गहलोत की, एक बात तो है कि दोनों सादगी में पूरी तरह विश्वास करते हैं, लेकिन जब आरोप प्रत्यारोपों की बात होती है ना, ये सादगी से ऊपर तंज वाली बात होती है। जी, सादगी का जहां तक सवाल है, वहां पर अब कम से कम शिवरतन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्लेम नहीं कर सकते। अब प्रधानमंत्री ने जितने, जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स जितनी दुनिया में दिखाए हैं और पहने हैं और जितने गॉगल्स और तमाम तरह के जो उनका एक्शन है, वो बताता है कि वो सादगी में नहीं बल्कि वो पूरी तरह से टशन में बिलीव करते हैं। होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री प्रवक्ता ने कहा कि वो दुनिया में जाते हैं, डेकोरम मेंटेन करना होता है, अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ अगर सादगी ही फकीरी का एक मापदंड हो तो ज्यादा करीब होते हैं उसके, क्योंकि मुख्यमंत्री लगभग एक ही तरह के पहनावे में, एक ही तरह के सफेद रंग के, उन्हीं का वही सेट पैटर्न है और सालों से है, दशकों से है, वो उसी में नजर आते हैं ज्यादातर। लेकिन बात यहाँ पर सादगी की, कपड़ों की, खाने पीने की नहीं है, बात तो वो है कि दोनों कैसे जनता के मन में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी साफ छवि जो है उसको दिखा पाते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो तंज देश के प्रधानमंत्री को दिया है, जो कसा है, देश के प्रधानमंत्री कल भी बहुत बड़ा संसद में उनका जिस तरह का भाषण रहा और जिसकी चर्चा हुई, उसके बाद जगदीश शर्मा जी, अशोक गहलोत का ये पलटवार नरेंद्र मोदी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? मीना जी, देखिए ये विचित्र सा सवाल है आपका कि कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस पार्टी का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ भी ढूंढता है, वो खुद ढूंढ रहे हैं कि इनका मेरे ऊपर असर नहीं होता, ये मेरे ऊपर असर कारक नहीं होते, नुकसान की तो बात ही नहीं। आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। तो प्रधानमंत्री होने के नाते या एक राजनेता होने के नाते वो ये बात बोलते तो है कि मेरे ऊपर कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की या मेरे ऊपर कोई आलोचना, कोई दुर्भावना, ये इस तरह के काम नहीं करते। आपने लोकसभा में उनका भाषण सुना तो वो बोले कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे ऊपर एक तरीके से आशीर्वाद के तौर पर आता है और ये अच्छा करने के लिए आता है। 2018 का भी उन्होंने उदाहरण दिया और अब 23 का भी उदाहरण दिया कि दोनों दफे और अगली बार में इससे भी ज्यादा सीटें लेकर आऊंगा, ये कहते हुए उन्होंने उदाहरण दिया। आपने तो मैंने भी सुना था। ये जो फकीरी की जो बातचीत चली है ना, ये बयानबाजी हुई है थोड़ी बहुत, ये असल में कबीर दास जी का एक भजन है, मेरो मन लागो यार फकीरी में। तो दोनों नेताओं का जो मन लग रहा है ना, वो ऐसी फकीरी में लग रहा है। ये कबीर दास जी के भजन की पंक्ति है कि मेरो मन लागो यार फकीरी में। ये फकीरी जो है वो ऐसी बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बने हुए, मुख्यमंत्री जी बने हुए, ये अशोक गहलोत जी और फकीर, ये अपने पास समझ में नहीं आया। मैं एक आदमी को तो जरूर वो कह सकता हूँ कि जो संत होते हुए भी या किसी धार्मिक संप्रदाय का जो है मुखिया होते हुए भी राजनीति में है और बहुत सक्रिय है,
आप, मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल रहा हूँ, वो इस तरह की उसमें रहते हैं। किसी जमाने में छत्तीसगढ़ के एक स्पीकर साहब भी ऐसे ही थे जो कि सिख समाज से आते थे और धार्मिक गुरु थे और वो विधानसभा के स्पीकर बने। खैर ये पतिदेव, और ये क्या है आजकल अशोक जी ने ये समझ लिया है कि दिल्ली में चाहे प्रधानमंत्री को राहुल गांधी कुछ ढंग का बयान देकर नीचा दिखाने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन अशोक जी ने ये जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। वो जिस जिस रास्ते चलते हैं उसी रास्ते पर अशोक जी चल रहे हैं। आप देखो कि वो किसी सभा के बारे में बोलते हैं, दूसरी सभा में उस नरेंद्र मोदी के भाषण का वो उल्टा जवाब देंगे जी। ये इसलिए नहीं दे रहे कि वो चीफ मिनिस्टर है या उनको देना चाहिए, इसलिए दे रहे कि उन्होंने रास्ता ही वही अख्तियार कर रखा, उसी रास्ते पे चलने का उन्होंने मतलब ठान लिया है जिसको कहना चाहिए। ऐसी सूरत में ये फकीरी जो है ये तो सबको मिल जाए, कौन मना करेगा, हमें मिल जाए, मैं ये फकीरी करने के लिए तैयार हूँ। सवाल ये है कि फकीरी है या क्या है, इतने बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं, इतने आयोजन करते हैं, और इनको जो सरकारी सुविधाएं मिली हुई जिनका रेफरेंस आया है, ये सरकारी सुविधाएं इनकी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी से लेकर और गाड़ियां मिलती है या उनका जेट है, ये फला है, ये है, ये सारी के सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके पास तो वही फिर आएंगे कि अपने चार कुर्ते अटैची में डाले और चल दिए। गुजरात से ऐसे ही आए थे, उनके पास तब 32 लाख रुपए के करीब थे बैंक में, जो उनको एमएलए के तौर पर सैलरी कह दीजिए या भत्ते कह दीजिए वो मिले, उसको वहाँ उन्होंने गरीब कर्मचारियों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इनके लिए दे दी। ये फकीरी है। मैंने आज तक नहीं सुना कि अशोक गहलोत जी अपनी सैलरी को जो है गरीब बच्चों में बांट रहे हो या कहीं, सब कुछ होता है वो सरकारी सिस्टम में होता है। और फिर ये बयान देने का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, फकीर के तरीके से चल दूंगा, तो अशोक गहलोत जी ने बोल दिया मैं भी फकीर हूँ, लो इसी बात मैं बड़ा फकीर हूँ, बिजली में उन्होंने कहा मैं बड़ा फकीर हूँ, मैं इसी बात पे आज जो है ना बिजली के एक यूनिट पर जो लगभग 52 पैसे शुल्क लग रहा था वो माफ करता हूँ, चलो हटाओ जी। ऐसी तो राजीव दिखाते हैं, राजीव इनका क्या गया, अशोक जी का क्या गया उसमें जी। राजीव तिवारी जी, जगदीश शर्मा जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया और जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस चुनाव को अब मुख्यमंत्री वर्सेस नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से बना रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में उनको ये कहने को है कि राजस्थान की जनता के काम करने के लिए मुख्य प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, यहाँ पर नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, और बार बार वो अपने स्टेटमेंट्स में भी इस तरह की बात कह रहे हैं। अब उन्होंने सीधे तौर पर जो तंज, सिर्फ तंज नहीं है ये मनोवैज्ञानिक रूप से जनता पर एक तरह का भावनात्मक दबाव डालने का प्रयास भी है। राजीव तिवारी जी, देखिए भावनात्मक तो अब माना जा सकता है कि वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि वो भावनात्मक रूप से जनता को ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री से मेरा मुकाबला है और मैं उनसे बड़ा फकीर हूँ। भैया ऐसी फकीरी तो सबको मिले, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल हम कह सकते हैं, लेकिन जैसा जगदीश जी कह रहे थे कि वो सारी चीजें जनता की हैं, जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो जनता के पैसे से कर रहे हैं, जो भी जिस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं वो जनता के पैसे का है, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, उनका एयर इंडिया वन हो, या राजस्थान का जो प्राइवेट प्लेन है सरकारी प्लेन है वो हो, तो ये सारी चीजें जो है वो जनता के पैसे से उपभोग हो रहा है और उसी को वो जनता का पैसा जनता में ही लुटा रहे हैं। और ये जनता का जो टैक्स का पैसा है वो जिस मद में जाना चाहिए, अब वो 52 पैसे आपने 2-4 साल तक तो वसूल कर लिए, अब वो 52 पैसे की जगह आप जो दूसरे जनता के काम थे उनको क्यों छोड़ रहे हो। अब आपको चुनाव दिख रहा है तो चुनाव में आप लगातार सहूलियतें बांटे जा रहे हो, तो इस तरीके की फकीरी दिखाने का जो मंतव्य होता है नेताओं का वो चुनाव के समय ही क्यों सामने आता है।
आप पहले से बोलो ना, आप एक हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, ऑटो रिक्शा से ऑफिस जाते थे, अपनी सैलरी पब्लिक कोष में दे देते थे। तो अगर दिखानी है आपको अपनी फकीरी या आपकी सादगी या आपका वो, तो वो आप उस तरह दिखाओ ना। आप साल भर के अंदर 50 तो एट होम दे देते हैं, तो किसके पैसे से देते हैं आप? या अपनी सैलरी से देते हैं क्या जी? तो आपकी जो सैलरी मिल रही है आपको, वो आपकी फकीरी वाली सैलरी नहीं है। आपको आप हाईएस्ट पेड लोग हो देश के, तो वो आपको देखना चाहिए ना कि जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमको अपने आप को फकीर तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए कि मैं चार झोले में कपड़े लेके आऊंगा और वापस चला जाऊंगा या कैंची में लेकर। आपने खुद के वेलफेयर के लिए, पार्टी के वेलफेयर के लिए ये जो सारे पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं जी? तो आपको सादगी जीवन में आप दिखाओ, उसके बाद सामने आओ ना। आपके लिए ट्रैफिक क्यों रुक जाता है आधे घंटे? आप क्यों नहीं पब्लिक के बीच में एक गाड़ी लेके चलते हैं? आप क्यों 50 गाड़ी लेके चलते हैं? किस बात का डर है जी? जी क्यों तो आप प्लेन में घूमते हो? आप ट्रेन में जाओ ना। आप अगर फकीर हो तो ट्रेन में जाओ। गांधी जी ने सारी जिंदगी एक धोती और एक डंडे में निकाल दी अपनी, वो समझ में आती है कि भाई फकीरी थी वो। आप फकीर को उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं फकीर हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल। तो गांधी जी जब एक उसको बताना नहीं पड़ता, सामने दिखता है। नेल्सन मंडेला थे, गांधी जी हैं, या दूसरे और अब्राहम लिंकन थे, या आप ये देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिमी कार्टर, आज तक खेती कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको सार्वजनिक जीवन में सिद्ध भी करनी पड़ेगी कि आप फकीर हैं, सिर्फ बोलने मात्र से ही सारी चीजें नहीं हो जाती है जी। लेकिन ये जो बोलने की मंशा है उनकी और जो संदेश उन्होंने, मंशा तो हाँ वो लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों में अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए, अपनी प्रतिमा, अपनी जो इमेज है उसको सुधारने के लिए ये सारी चीजें हैं कि भाई हम तो ये है देश की सेवा में समर्पित हैं। अरे भाई देश की सेवा में समर्पित हो तो आप ही के लोग, कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, कोई आरसीए का अध्यक्ष बन जाता है, कोई होटल बड़े बड़े 5-7 स्टार बना रहा है, तो भाई ऐसी कौन सी फकीरी है? मेरे तो समझ में नहीं आती है। जी जी श्रीवत्सन जी, बहुत सारे पत्रकारों के बीच उन्होंने ये सवाल किया, कुछ पत्रकार थे जिन्होंने उनसे पूछा, जानना चाहा, जिन होटल्स का जिक्र राजीव तिवारी जी कर रहे हैं या फिर जिस आरसी और बीबीसी आपका भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो बात वहां पर अमित शाह के बेटे और यहाँ पर अशोक गहलोत के बेटे, तो बीसीसीआई हो चाहे आरसीए हो चाहे और भी, हम अगर इसका विश्लेषण करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा मुख्यमंत्री जी की पुत्रवधू कितने सारे एनजीओस में कहां कहां से क्या कुछ होता है, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाते हैं। सवाल ये है कि जो राजनीतिक संदेश यहां पर देने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं चुनाव से पहले, क्या पार्टी के लोग भी, पार्टी का पूरी जो लीडरशिप है उनकी, वो किस तरह से देख रही है और आज पत्रकारों ने उसे किस रूप में लिया? पत्रकारों ने कुछ सवाल भी किए इस संबंध में उनसे श्रीवत्सन जी? मीना जी देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले, जो अपने आप को बार बार जनता के सामने फकीर कहते हैं उनकी संपत्ति मैं बताता हूँ, और ये संपत्ति है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो और प्रधानमंत्री के तरफ से जो संसद में ब्यौरा दिया जाता है साल में, उसके आधार पर बताता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कितनी संपत्ति है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारत के 19वें सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनके पास संपत्ति है। ये देखिए उन्होंने खुद ने जब चुनाव लड़ते हैं ना तब एक ब्यौरा दिया जाता है, सरकारी वेबसाइट में कहा गया है कि एमएलए एमपी को अपना ब्यौरा देना पड़ता है। तो ये 6.63 करोड़ रुपए इस वक्त की उनकी लेटेस्ट संपत्ति के बारे में बताया गया है, और ये कहा गया कि उनके पास 2-3 मकान भी है, प्लॉट भी है। ये तो इंडिविजुअल हुआ, अब जरा प्रधानमंत्री के बारे में भी जान लीजिए, जो कि कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं और जमीन से उठा हूं। देखिए वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, 9 साल से प्रधानमंत्री रहे, तो बतौर प्रधानमंत्री उन्हें करीब 2 लाख से ज्यादा तो वेतन मिलता है, उसके अलावा अलग भत्ते जो है वो है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की संपत्ति 2.2 करोड़ रुपए, ये उनकी इस वक्त की संपत्ति है। उन्होंने साल 2002 में
वडनगर में जमीन खरीदी थी जिसमें वे तीसरा मालिक थे, मतलब तीन लोग थे उसके हिस्सेदार, उसमें से एक पीएम मोदी थे। तो उन्होंने अपनी वो जमीन दान कर दी, उनके पास कोई जमीन नहीं है। और जहां तक मेरे पास और जो पार्लियामेंट वाली डिटेल है उसमें मैंने निकलवाया कि उनकी जो उनके पास जो कैश है इस वक्त कैश केवल 35,250 रुपए है। 10 लाख रुपए का पोस्ट ऑफिस में एनएससी खरीद रखा है उन्होंने, 2 लाख का उनका हेल्थ बीमा पॉलिसी उनके पास है। ये तो देखिए सरकारी आंकड़े हैं। अब यदि देखा जाए तो दोनों ही करोड़पति हैं, तो फकीर कहां से हुए ये तो जनता को तय करना है। अब बात ये इसलिए, अब उनके परिवार वालों की बात की जाए तो मोदी जी के परिवार के बारे में सब जानते हैं कि मोदी जी ने अपने परिवार को कभी किसी को बढ़ावा नहीं दिया, ये बात एकदम फैक्ट है। जबकि राजस्थान में इसका कुछ बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। अशोक गहलोत जी के बेटे आरसीए में अध्यक्ष हैं, कोई मतलब वो हो सकता है उनकी काबिलियत से है या किसी भी कारण से है, तो उनकी संपत्ति वगैरह इसमें ऐड नहीं होती। यह देखा जाएगा कि राजनीति में आप कितने ईमानदार हैं, आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई। और ये मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान में बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में मुख्यमंत्री भले ही ईमानदार रहे हैं, उन्होंने उन पर कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा, लेकिन एमएलओ ने जमकर चांदी कूटा है इस बार राजस्थान में। शायद ही कोई एक एमएलए ऐसा होगा जो कि करोड़पति नहीं हुआ है राजस्थान में। ये एक विपक्ष का आरोप भी राजस्थान में सामने आता है और यही कारण है कि बार बार वे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री बताते हैं कि मैं तो एकदम पाक साफ हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं, जनता के लिए योजनाएं बना रहा हूं, आप क्या है देखिए, आप तो इतने सारे क्योंकि और मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत जी ने तो ये डिटेल तक भी निकलवा ली कि प्रधानमंत्री जी जो चश्मा पहनते हैं वो 2.5 लाख का चश्मा है, जो सूट पहनते हैं वो लंदन से बनकर आया है उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। तो ये आपस में पर्सनल अटैक क्या कहना, मैं फिर वही कहूंगा कि ये तंज कसने का तरीका जनता को बताने का है कि कौन आम आदमियों की तरह सोचता है, कौन आम आदमियों की तरह रहता है, ये बात बताने की कोशिश है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आम आदमी के बीच जाकर पिछला चुनाव, अगर हम 2019 के लोकसभा के चुनाव को याद करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली जनवरी 2019 को एक इंटरव्यू दिया था ANI को, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये चुनाव यानी कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव था वो आम आदमी के बीच और कांग्रेस के बीच, उन्होंने खुद को आम आदमी से कनेक्ट किया था कि वो आम आदमी है और दूसरी तरफ विपक्ष है। इस बार ये उसी बात को उन्होंने इस रूप में कहने की कोशिश की कि वो फकीर है, यानी कि साफ है कि हर बार चुनाव से पहले जनता के बीच जाने के लिए कोई नया शगुफा चाहिए। चुनावी नारे और चुनावी रणनीति और चुनावी जो तमाम लहर बनाने की जो कोशिश है, ये जो अटल खंडेलवाल जी लहर बनाने के लिए, आपको लगता है कि ये फकीरी कोई खास काम कर पाएगी? देखिए मैम, ये फकीरी जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं वो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जितनी भी थी, जैसा कि अशोक गहलोत साहब सोच रहे हैं कि ये जो मैं जनता के सोशल सिक्योरिटी में और या बिजली में या मोबाइल बांटकर और जो ये कोष मैं दिए जा रहा हूँ, ये लोग अपना ही समझते थे पहले कोष, ये तो जैसे ही कांग्रेस के अलावा सरकार आने लगी है तो उन्होंने कहा भाई ये धन तुम्हारा नहीं है, ये जनता का धन है। और तब से ही, और ये फकीर साहब तो ये देखिए कि अपने राज्य मंत्री को धर्मेंद्र राठौड़ साहब के घर पे जब ईडी का छापा पड़ता है तो अपने राज्य मंत्री को भेजते हैं कि वो लाल डायरी ले आना। ये कौन सा फकीर अपने साथ लाल डायरी रखता है? आप ये भी बता दीजिए कि जयपुर के अंदर फेयरमाउंट जो होटल है वो किसका है? उदयपुर में रफाइल और ताज रावली, जोधपुर में लेक व्यू, माउंट आबू की लिमडी कोठी, ये सब इसके अंदर रहने वाले लोग बता सकते हैं या काम करने वाले लोग बता सकते हैं? आरसीए के अंदर भी देखेंगे तो इन्हीं के पूर्व मंत्री रामेश्वर डूडी जी ने कहा कि साहब सीएम साहब के इशारे पे मेरी उम्मीदवारी खत्म कर दी। 2022 के अंदर ई टॉयलेट टेंडर पे वैभव गहलोत साहब की ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, FIR भी दर्ज हुई है। आप एक और चीज समझिए कि ऊपर भी सेट करने पे तुली है और नीचे भी यहाँ पर सेट करने पे तुले हैं, और ये फकीर साहब तो आप समझ ही रहे कि ये किसको सेट करने पे तुले हैं। ये प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रहे हैं और प्रोडक्ट फेल हो रहा है। अब इनकी गलती है या इनकी फकीरी की? अब ये हो सकता है फकीर हो गए और सेट करते करते
इसलिए इन्होंने इस तरीके का तंज कस दिया। आप राज्य के प्रोडक्ट पर इशारा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे पर, और वहां केंद्र में जो है वो प्रधानमंत्री ने जो इशारा लॉन्चिंग पे किया वो अलग प्रोडक्ट है। बहरहाल वो मैडम बहरा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी प्रतीक सिंह जी, ये जो इतनी होटल्स की चर्चा हो रही है यहाँ पर, इतने टेंडर्स की बात हो रही है, RCA, ये सब क्या है? ये सब जो है वो फकीरी का हिस्सा है, मतलब इन सब के साथ ही, या नए जमाने नए दौर की जरूरतें हैं ये, जिनके साथ ही आदमी सादगी से रह सकता है, इनके बिना रह नहीं सकता। देखिए अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद अटल जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बड़ी शांति से सुना था तो अब ये शांति से सुना। इनके पिछले कार्यकाल से बताता हूँ मैं सादगी क्या होती है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ललित मोदी, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का घोटाला करके हिंदुस्तान से भागता है, और उसकी जमानत के कागज कौन साइन करता है पता है क्या आपको? वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा राजे जी ने साइन करके ब्रिटिश में अदालत में दिए, तो ये तो इनकी वसुंधरा जी। प्रतीक जी अपना ऑडियो बढ़ाइए। नहीं ऑडियो बढ़ाए, नहीं नहीं विषय पे ही हूँ मैं, विषय पे ही हूँ। तो इनका इनका पहली कॉल तो मैंने अपना ऑडियो थोड़ा बढ़ाइए प्रतीक जी, सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक से। मेरा ऑडियो तो मैडम बड़ा हुआ है, जब मैं बोलने लगता हूँ तो फिर सुनना ही कम ही देता है लोगों को। कोई बात नहीं जी। तो अब दूसरी बात, मैं राजस्थान के आपके मुद्दे पे आ जाता हूँ। ये कह रहे हैं कि होटल किसका है, ये कह रहे हैं RCA में कैसे हुई। मुझे तो ये बात बताइए कि 2020 में ED की कार्यवाही हुई है, जो तथाकथित ये बोलते हैं 150 CRPF के जवान उस ED की कार्यवाही के अंदर वहां पर आए थे। राजेंद्र गुड्डा सुपरमैन के स्टाइल में आयरन मैन बनकर के उन 150 CRPF के जवानों से वो लाल डायरी छीन के ले आए। तो ED वहां क्या घास खोद रही थी क्या? क्या ED वहां बैठ करके पलंग बिछा करके सो रही थी क्या? क्या 2 साल से उनको याद नहीं आया था कि वो लाल डायरी छीन ली गई है? क्या 2 साल से उन्होंने उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? उसके बाद जो 2020 से आज 2022 हो गया, जो अशोक गहलोत जी के भाई के घर पे जो रेड हुई थी, जो और लोगों के घर पे रेड हुई थी, उसका क्या हुआ? आप पिछले दिनों देखिए हमारे जो राजेंद्र यादव जी है उनके घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई थी, हुआ क्या, मिला क्या, बताइए ना। इनकम टैक्स, ED और CBI केंद्र सरकार के अंडर में आता है। मैं कह रहा हूं जितने MLA हैं, जितने मंत्री हैं, सबके घर भेज दीजिए, सबके घर इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए और पता लगा लीजिए कि किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितने होटल हैं, किसने कहां कहां इन्वेस्ट किया है, आप पता लगा लीजिए ना। केंद्र की एजेंसियां है ना ये, ये सिर्फ बोलते हैं, बरगलाने की बातें करते हैं। किसी और मिनिस्टर के साथ जब बिगड़ेगी ना गहलोत साहब की, तो नीली डायरी मिलेगी। अटल जी फिर बीच में बोले वो तो लाल डायरी मिलती, ये सेटिंग टूटते ही फिर नीली डायरी मिलेगी। अटल जी फिर आप नीली पे पढ़ सुनिए, अटल जी आप उनको बोलने दीजिए प्लीज, मुद्दे में तो बोले, प्रतीक सिंह जी को बोलने दीजिए प्लीज, और प्रतीक जी जल्दी अपनी बात खत्म करिए। अटल जी बोलने दीजिए प्लीज, का एक PM केयर फंड बनाया गया, उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन लिया गया, उसके अंदर प्रधानमंत्री की फोटो लगाई गई, उसके अंदर नेशनल एम्बलम का यूज किया गया, और उसके बाद बोलते हैं उस 49,000 करोड़ रुपए की ऑडिट नहीं होगी। RBI ने पिछले दिनों RTI में ये आपको रिप्लाई किया है कि 88,000 करोड़ रुपए के 500 रुपए के नोट गायब हो गए, छपके निकले लेकिन वो पहुंचे ही नहीं बैंकों में, उसका जवाब कौन देगा? या मुझे ये फकीरी चल रही है क्या? 49,000 करोड़ रुपए एक जगह खा गए, 88,000 करोड़ रुपए एक जगह खा गए, और इतने पता नहीं कितने जगह खा गए, तो ये फकीरी का आलम है। मैं पुनः बताता हूँ अटल जी, इल्जाम मत लगाइए, कागज लेके आइए, ED भेजिए, CBI भेजिए, इनकम टैक्स भेजिए, सबके घर भेज दीजिए, सारे मंत्री और MLA के घर, और निकालिए, और अगर नहीं है तो मुंह बंद करके बैठिए। जी जगदीश शर्मा जी, प्रवक्ताओं की कहीं ना कहीं जरूरत है, वो उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम दलील पेश करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद भी की जाती है कि वो विषय की गंभीरता को भी समझे। जगदीश शर्मा जी, चुनाव से पहले लहर बनाई जाती है, और लहर बनाने के लिए हर चुनाव में कुछ नया ऐसा विषय होता है जिसके दम पर पूरा चुनाव खींच जाता है। क्या राजस्थान का चुनाव इस फकीरी के दम पे खींच सकेगा?
आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैंने कहा अशोक जी तो इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये फकीरी के दम पर ही अगला चुनाव जीत लिया जाएगा। वो फकीरी में जो जो लुटा रहे हैं वो आप देख लीजिए। एडीआर की जिस रिपोर्ट का वो हवाला दे रहे थे, एडीआर ने ही ये बात बोली है, अपने श्रीवत्सव जी ने निकाल कर दिखाया है। उसका कहना है कि जितनी भी ये, और डिस्कस भी हुआ है खूब, पॉलिटिकल लड़ाई भी इस पे खूब हुई है, कि ये जो फकीरी में जो ये चिरनामत वितरण होता है ना, किसी को बिजली फ्री मिल रही है, किसी को लैपटॉप फ्री मिल रहा है, कहीं मोटरसाइकिल फ्री मिल रही है, कहीं महिलाओं के को फोन दिया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है। मैं आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले ही फोन पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, राजस्थान का एक शिविर का प्रोग्राम जीएनटी ने किया था, तो उसमें एक लड़की से पूछा उसने, रिपोर्टर ने, भाई ये फोन लाए हो कैसा है ये? उसने निकाल कर देखा करा, उसके बाद बोली कि इसमें मुझे मालूम नहीं कि इसकी क्वालिटी क्या होगी या कैसा चलेगा या क्या। उन्होंने, ये तो पुराना लग रहा है, पुराना मॉडल लग रहा है। बोले ठीक है, तो पुराना मॉडल भी है तो क्या है, मुफ्त में मिला है? बोला अब आप वोट किसको देंगे? बोले मैं तो बीजेपी को देते आई हूँ, बीजेपी को ही दूंगी, ये इस फोन मिल जाने से अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी। रिपोर्टर ने उसको फिर आवाज लगाई, वो चलने लगी तो रिपोर्टर ने फिर आवाज लगाई, बताओ तो सर इसका रीजन क्या है। खैर वो बात आई गई हो गई। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये जो जो पंजीरी बांटी जाती है चुनाव के टाइम पर, जिसको कि यहाँ भी बटाया और दूसरे स्टेट्स में भी बटती है, राजस्थान में कोई विचित्र काम नहीं हो रहा है, सब जगह बटती है ये, इसके बटने का चुनाव के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक दो भी नहीं। हालांकि आपको बताता हूँ, ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। वो लाभार्थियों के शिविर में जाकर बोलते हैं, लाभार्थियों के शिविर बुलवाते हैं, उनको जिनको मकान मिला है, जिनको गैस का सिलेंडर मिला है, जिनको कोई पेंशन मिली है अलग से, ये वो प्रशासन को काम दिया जाता है कि उन सबको इकट्ठा करके एक जगह बैठाओ और फिर उनको वो एड्रेस करेंगे और वो लाभार्थी। तो वो ये मानते हैं कि ये जो लाभार्थी वर्ग है ये मेरा नया वोट बैंक है, एक तरीके से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है ये। यही बात अशोक जी समझ रहे हैं, यही बात अशोक जी समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि किसी को अपन कुछ बांटेंगे वो याद रखेगा। तो एक से एक इन्होंने प्रोग्राम चलाए। अभी देखो लेटेस्ट एक आपको बताऊं, वो राजस्थान ओलंपिक हो रहे हैं, नाम भी कुछ भी यूज कर सकता है कोई आदमी, जैसे कांग्रेस, हाँ जैसे इंडिया नाम रख दिया, नए यूपीए के घटक दलों का मिलाकर इंडिया, ये समझते हैं ऐसे छोटी छोटी चीजों से किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये समझते हैं कि गाली देने से पहले कई दफे सोचेंगे कि इंडिया को गाली नहीं देंगे। अरे पहली बात तो ये कि जो गाली दे रहा है वो इंडिया बोलेगा ही नहीं, वो दूसरा नाम से गाली दे सकता है। हाँ गाली देने वाला तो इंडिया को भी गाली दे सकता है। ये देखिए ये गलत फहमी है इनको, इंडिया को भी गाली दे सकता है, वो गाली यूपीए को देगा, एक्सटेंडेड यूपीए को। और नाम रख दिया कल नरेंद्र मोदी ने अपनी रिप्लाई में, घमंडिया वर्ग है ये, उन्होंने बाकायदा नाम दिया है इसको कि ये इंडिया नहीं है, ये घमंडिया है, और बीच में हमको फंसा रखा है एनडीए बीच में और उसमें दो आई लगा दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनाव जीतने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और नाम तक के अपनाए जा रहे हैं, जवाब तक के अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इनको मालूम नहीं है कि एजुकेशन का स्तर देश में, राजस्थान में सब जगह पर काफी ऊंचा हो गया है। लोग जो हैं वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, नौजवान है, गांव में खेती में काम करने वाला भी आदमी समझता है कि ये जो बात बोली जा रही है या ये जो राहत दी गई है ये किस लिए दी गई है, कोई स्थायी राहत तो है नहीं किसी को जी। ये नहीं देख रहे हैं कि बेरोजगार जितने घूम रहे हैं उनको नौकरी कैसे मिले, जो लोग पढ़ नहीं सक रहे हैं उनको स्कूल में कैसे लाया जाए, ये बेसिक चीजें हैं जो करनी चाहिए, लेकिन कर क्या रहे हैं? अब फोन ले जाओ, आज बिजली के तुम्हारे बिल में ये कटौती कर दी। और राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि बिजली 4 साल तक आपने फ्यूल चार्जेज के नाम पे 52 पैसे प्रति यूनिट चार्ज कर लिया,
हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, अब आपने बंद किया है, तो वो भी पब्लिक का था और बंद किया तो भी पब्लिक का ही है, इनका क्या गया? लेकिन ये दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि फकीर फिर बांटने के लिए आ गया है, फिर बांटेगा, फकीर जो है वो बिजली की राहत कम करेगा। तो ये सिलसिला जो है कोई लाभदायक नहीं है। आप जैसा पूछ रहे थे कि इनका कोई प्रभाव पड़ता है, मैं समझता हूँ कि इनका आधा प्रतिशत भी प्रभाव पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात। तो अगर अगर बहुत अपने आप को जो राजनीति के मास्टर कहते हैं, जादूगर कहते हैं, जो ये कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो राजनीतिक ट्रेनिंग देंगे, ऐसे मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी जब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है राजीव तिवारी जी कि सब्सटेंस की कमी है कहीं ना कहीं राजनेताओं के पास, चुनाव में जनता के पास जाने के लिए वो ठोस मुद्दा नहीं है जिसके दम पर वो कह सके कि मैंने पिछले 5 साल में ये काम किया और इसलिए आप मुझे वापस वोट दो तो मैं वापस आकर आपके लिए ये काम कर सकूं। मेरी आवाज नहीं आ रही है। भरोसा उनमें नहीं है जी राजीव तिवारी जी, ये जो भरोसा उनमें नहीं है इसी वजह से कभी कोई तंज कस रहा है, कभी कुछ किसी पे पलटवार हो रहा है और एक दूसरे के से बड़ा फकीर बनने की एक होड़ बच गई है। राजीव तिवारी जी सिस्टम फ्लक्चुएट कर रहा है उनका शायद जी, वापस जाएंगे। शिवत्सन जी आपके पास आते हैं जी। वाकई में एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे पिछले अगर हम 2.5-3 महीनों का जिक्र करें और खास करके पिछले 1.5 महीने में हम देखते हैं कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने अलग अलग नए कैंपेन्स लॉन्च किए, अलग अलग बातें की, नारे दिए, लेकिन चुनावी लहर बनाने वाली स्थिति नहीं बना पाए हैं अभी तक दोनों की तरफ से ही ऐसा कुछ। मुख्यमंत्री हालांकि अपनी योजनाओं के दम पर, लेकिन जगदीश शर्मा जी ने जो बात कही कि जनता और आज का पढ़ा लिखा मतदाता इस बात को जानता है कि जो उन्होंने दिया वो चुनाव जीतने के लिए दिया या उनके विकास के लिए या उनको लॉन्ग टर्म में इससे बेनिफिट हो इसके लिए दिया। अगर जागरूक मतदाता को, राजीव तिवारी जी आपने मेरा सवाल सुना था? नहीं, मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि ऑडियो प्रॉब्लम थी जी। राजीव तिवारी जी मैं आपके पास एक आध लाइन को रिपीट कर दीजिए, सुन लीजिए जी। जी जी, शिवत्सन जी से मैं सवाल पूछ के फिर आपके पास आती हूं। तो शिवत्सन जी, आप महसूस करते हैं जब फील्ड में जा रहे हैं, दोनों राजनीतिक दलों को देख रहे हैं, दोनों के केंद्रीय नेतृत्व की अब यात्राएं बढ़ चुकी हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा विहीन जो स्टेज है राजनीति की राजस्थान में दिख रही है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसी है क्योंकि अब देखिए अशोक गहलोत भी ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इस बार का जो चुनाव होना है उनकी सरकार के 4.5 साल के अब तक के कार्यकाल में जो योजनाएं बनाई गई है और मोदी सरकार की 9 साल की योजनाएं जो कि राजस्थान में भी इंप्लीमेंट की गई है उसके आधार पर होगा, और यही कारण है कि सीधा सीधा वे अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आरोप सीधा मोदी जी पे लगा रहे हैं। यानी कि मोदी जी को उन्हीं के जो जिस तरह से उनके अब तक का चुनावी स्ट्रेटेजी रही थी उसी के आधार पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अशोक गहलोत ही मोदी जी को ऐसा इस तरह से घेर रहे हैं, मोदी जी ने भी कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी शब्द थी ना कर्नाटक चुनाव में उसको हाईजेक कर लिया। आजकल मोदी जी कहते हैं बार बार हर जगह उनको कहते सुनाई देंगे, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की मेरी गारंटी है, तो ये कांग्रेस का शब्द था कर्नाटक चुनाव में, बहुत कारगर भी हुआ। तो एक दूसरे से ये कह सकते हैं कि जो अब चुनाव का ट्रेंड बदल चुका है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप केवल नेशनल मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े, कर्नाटक में देखा पूरी तरह स्थानीय मुद्दे हावी रहे थे, चुनावी स्ट्रेटेजी हावी रही थी, वहां कोई धर्म कोई बजरंगबली कुछ भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुआ था। जो योजनाएं आप जनता को दे रहे हैं, किस तरह की योजनाएं दे रहे हैं, कितना लाभ मिल रहा है, और जो आगे की दूसरी सामने वाली पार्टी जो योजना दे रही है या देने की बात कर रही है उसमें वह कितनी कामयाब हुई या नहीं होने वाली है, इस तरह की बातें ही अब चुनाव में जनता को असर डालने वाली है। ये चीज कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही नेता अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और जब अशोक गहलोत का तो जहां तक बात है तो बतौर सीएम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार योजनाओं के आधार पर ही, चाहे वो केंद्र सरकार की बीजेपी की तरफ से जो योजना बताई जाएगी या राजस्थान सरकार की तरफ से बताई जाएगी, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, वही फोकस में रहेगा, बाकी सब। अब जैसे फ्री बिजली वाली बात है, देखिए मैं ये मानता हूं कि फ्री बीज बहुत एक लेवल लिमिट से ज्यादा दिया जाना शायद हो सकता है कहीं ना कहीं
फाइनेंशियल स्थिति को गड़बड़ा के रख देगा, जैसे कल पीएम मोदी भी कह रहे थे कि किसी भी राज्य को दिवालिया बना देगा, संसद में उन्होंने बोला है। लेकिन यदि मेरा बिल 1500 रुपए आ रहा था, आज मुझे 400 रुपए देना पड़ रहा है बिल का, या 300 रुपए देना पड़ रहा है, तो आज की हालत में तो मैं खुश हूं, क्योंकि इतनी बड़ी महंगाई से मुझे तो राहत मिल रही है। यही इंडिविजुअल यही बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मैंने आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया है, देखिए आपको इसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी योजना देख लीजिए। तो बस कुछ ऐसी ही बात है, और बाकी तो नेता है, आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, कौन कितना फकीर है मैंने आपको बता दिया कि करोड़पति से नीचे तो कोई है नहीं। जी जी, जनता भी इस बात को देखती है कि उनके फकीर नेता किस तरह से यात्राएं करते हैं, कहां कहां जाते हैं, उनके साथ कितना जो है वो पूरा का पूरा काफिला रहता है। लेकिन उसके बाद भी जब जनता अपने मंझे हुए नेताओं से ये सुनती है कि वो किस स्टेज में है, वो कैसे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तो राजीव तिवारी जी सवाल ये है कि वाकई में क्या हमारे मंझे हुए राजनेताओं के पास सब्सटेंस की कमी हो गई है? क्या वाकई में उनके पास मुद्दे नहीं रहे हैं? क्या वाकई में उनको लगता है कि उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता है वो जनता को उनका इतना भोलापन जो है उसके माध्यम से साथ लेने में सफल हो पाएगी, मतलब साथ ले पाएंगे वो इससे अपने भोलेपन से? प्रधानमंत्री भी भोले बन रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे ज्यादा भोले बन रहे हैं। राजीव तिवारी जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही है आवाज आपकी जी। तो जो आप कह रहे हैं कि हाँ जी, जनता सारी लोक लुभावन जो ये घोषणाएं हैं उनसे कोई 2-4% से ज्यादा का ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 2-4% चुनाव में नतीजे बदलने में काफी मददगार या कारगर साबित होते हैं, फिर भी अब जनता बहुत राजनीतिक रूप से कह लें, शैक्षिक रूप से कह लें, बहुत जागरूक हो चुकी है, और उसको तात्कालिक लाभ ये जो ले रहे हैं वो जब तक तो खुश हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भविष्य भी होता है कि हम जो पहले सरकार थी उसने क्या क्या ऐसे काम किए जो हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए कैसे साबित होंगे। तो वो सरकार के पूरे कामकाज का आकलन करती है और ये भी देखती है कि अब अगर सिर्फ लोक लुभावन योजनाओं से ही सरकारें आने लग जाएंगी तो आप देखिए कि पिछली बार वसुंधरा जी ने कितनी घोषणाएं की थी, मोदी जी ने आके कितनी घोषणाएं की थी, लेकिन बीजेपी हार गई, कांग्रेस आ गए, तब हम ये कह देते हैं कि राजस्थान का तो ट्रेंड है, एक बार बीजेपी आ जाती है, एक बार कांग्रेस आ जाती है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके बाद बसपा की 6 सीटें कैसे आ गई, बीटीपी की कैसे आ गई, बेनीवाल जी की पार्टी की 3 सीटें कैसे आ गई। तो कहीं ना कहीं जनता लोकल जो इश्यूज है या उनकी जातिगत या समाज की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको देखकर भी वोटिंग करती है। तो इस बार भी जैसे मुझे लगता है कि जो निर्दलियों की और छोटी पार्टी है इनकी संख्या बढ़ेगी सीटों की, क्योंकि केंद्रीय बीजेपी की और कांग्रेस की पार्टी से लोग काफी कुछ इनकी योजनाओं से त्रस्त हैं। जी राजीव तिवारी जी, जैसे पिछले चुनाव में चौकीदार ने बहुत ट्रेंड किया, चौकीदार चुनाव में एक बहुत बड़ा मोहरा बना और बाकायदा बीजेपी के सारे मंत्रियों ने अपने प्रोफाइल्स पे चौकीदार खुद को बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि वो सबसे बड़ा चौकीदार हैं वो, और कांग्रेस ने चौकीदार चोर का जो जुमला दिया था, क्या इस बार राजस्थान के चुनाव में ये फकीरी बड़ा जुमला बन पाएगी? देखिए, चौकीदार चोर का जो जुमला कांग्रेस ने किया था वो उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित भी हुआ था। और इस बार गहलोत साहब की स्ट्रेटेजी ये है कि मैं राजस्थान के किसी भी नेता को अपने मुकाबले में नहीं आने दूं, सीधा मोदी जी से मुकाबला करूं। तो वो उनकी फकीरी का जो एक ये नया जुमला लेके आए हैं कि मैं उनसे बड़ा फकीर हूं, यानी वो चाहते हैं कि मेरा मुकाबला सिर्फ मोदी से हो। और जो लोकल इश्यूज के जितने भी मामले हैं उसमें बीजेपी का कोई नेता उस तरीके से उभर कर सामने ना आए और उसका फायदा मैं उठा लूं, मेरी पार्टी उठा ले,
और इसीलिए वो अब चाहते हैं कि सीधा, और वसुंधरा जी वाली बात भी वो इसीलिए लेके आए थे कि वो सीएम फेस है, उनको पता है कि वहां पे वो मतभेद चल रहे हैं, उनको नहीं आने देंगे और वहां कहीं ना कहीं मैं उस मतभेद को और हवा देके आगे बढ़ाऊं, और जब चुनाव का मौका है तब लोग स्थानीय कोई भी, चाहे से वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे से राज्यवर्धन हो, चाहे से कोई भी नेता हो इनका, तो उसको अपने मुकाबले नहीं आने देना चाहते, वो ये साबित करना चाहते हैं राजस्थान में कि देखो देश में मोदी है और राजस्थान में अशोक गहलोत है और हम दोनों के बीच में है मुकाबला। ये ऐसा नहीं है कि मेरे बराबर का यहाँ पर कोई नेता बीजेपी में नहीं है, और इसी का फायदा वो उठाना चाहते हैं इस वो वाली सारी बातें करके, केंद्र से मुकाबले की बातें करके। सारी बातें राजीव तिवारी जी, ये सारी बातें तब है जब आलाकमान केंद्रीय नेतृत्व स्पष्ट रूप से कह चुका है कि राजस्थान में कोई चेहरा नहीं होगा, राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत बहुत चतुराई से कामयाब हो रहे हैं इसे पूरी तरह से स्व केंद्रित, गहलोत केंद्रित चुनाव बनाने में। उसमें न सिर्फ राजस्थान की दूसरी कांग्रेस की लीडरशिप बल्कि केंद्र जो है, आपने बहुत, जगदीश जी ने भी बहुत सही बात की तरफ इशारा किया और जनता इस बात को, हमारे दर्शक इस बात को समझेंगे कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो है उसकी जितनी चर्चा होती है उससे ज्यादा अशोक गहलोत के स्टेटमेंट की चर्चा होती है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने अपने आप को आलाकमान से भी बड़ा मान लिया है या दिखाया जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए आलाकमान कितनी भी बड़ी घोषणा कर ले कि हम किसी फेस पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना उसकी मजबूरी है आलाकमान की। वो भले फेस घोषित ना करें, और वो हर पार्टी कहती है कि भाई चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे नेता कौन है, लेकिन दोनों जगह यही स्थिति है, दोनों जगह यही स्थिति है। केंद्र में मोदी सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी उभर कर आए, और राजस्थान में अशोक गहलोत नहीं चाहते कि उनके प्रादेशिक कोई नेता उनके सामने उभर के आए। तो यही मुकाबला है। वो गहलोत का एक जरा सा स्टेटमेंट होता है उसको पूरी बीजेपी हाथों हाथ लेती है और उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देती है, सारे चैनल्स पे वही लाइन आने लगती है, ब्रेकिंग न्यूज आने लगती है। गहलोत साहब ने पिछले दिनों में 2-3 बार कह दिया मैं कुर्सी के पीछे नहीं हूँ, कुर्सी मुझसे चिपकी हुई है, और वही स्टेटमेंट पूरी बीजेपी उसको उठा रही है। राहुल गांधी कुछ भी कहें उस पे उनका कोई नहीं है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी दबे रहे, उनके मुकाबले गहलोत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, और वो ये दिखाना चाहते हैं। और इधर गहलोत साहब मोदी साहब का मुकाबला करके ये चाहते हैं कि प्रदेश में मेरे मुकाबले बीजेपी का तो मैं किसको कुछ समझता ही नहीं हूँ, मेरे बराबर का कोई नहीं है, मैं मोदी के मुकाबले में। तो ये एक जो मुद्दा है, ये दोनों पार्टियों ने ये इस तरीके का रुख अख्तियार किया था। और देखना होगा कि राजस्थान की जनता किसकी बात मानती है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में सबसे पूछना चाहूंगी, जगदीश शर्मा, राजीव तिवारी जी आपसे शुरू करते हुए इस बात को, क्योंकि आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं कि बड़ा फकीर कौन है, मोदी या गहलोत? ये तो जनता ही जाने कौन है फकीर। जगदीश शर्मा जी आवाज पर ऑडियो ऑन करिए। फकीरी में छोटा बड़ा होता ही नहीं है, फकीर तो सारे एक ही साइज के होते हैं, उनके पास लुटाने को कुछ नहीं है, जो कुछ है वो लुट जाता है। बिल्कुल। और दरअसल फकीरी की जो स्थिति है वो आर्थिक से ज्यादा तो मनस्थिति, मन से, दिमाग से पहले, आत्मा से पहले फकीर होता है, उसके बाद सारी स्थितियां होती है, चाहे गौतम बुद्ध की बात कर लें, चाहे तमाम नाम जो हमारे पैनलिस्ट ने अभी गिनाए उनकी बात करें। लेकिन अटल खंडेलवाल जी, आपको बड़ा फकीर निश्चित रूप से यहाँ पर नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे? देखिए मैडम, राजनीति जब हम शब्द का यूज करते हैं तो उसमें ये जो फकीरी है ये विचार ही थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक वापस से जो मोदी साहब कह रहे हैं 9 साल में जो फर्क भी पड़ा है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म,
यूथ की दुकान के अंदर नफरत का सामान बेचना या उसकी तरफ इशारे करना, ये हमारी नीचे वाली कतार में है अटल खंडेलवाल जी, आप सबसे नीचे वाली अभी, लेकिन आप सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि फकीरी तो विचार ही जिस तरह से आपने इसे परिभाषित किया, बधाई हो आपको कि आप इतना साहस तो रखते हैं कि आपने इस बात को जिक्र किया। शिवत्सन जी, कौन है बड़ा फकीर? देखिए फकीर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेचारे तो आम जनता ही है जो इन राजनीतिक दलों से उम्मीद करते हैं कि उनके लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, लेकिन रहते वहीं के वहीं हैं, उनका जीवन स्तर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए की योजना में से यदि सही तरीके से इन तक चीजें पहुंचने लग जाती तो आज सबकी जिंदगी क्या हो जाती, लाइफस्टाइल बहुत सुधर जाती। तो बेचारा तो आदमी ही है मेरी नजर में, बाकी नेताओं को तो मैं कोई फकीर कभी नहीं माना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि प्रदेश में राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए जो राजनीतिक तंज प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के प्रधानमंत्री पर कसा है, दरअसल वो जनता को अपने पक्ष में लुभाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए एक शगुफा है जो देश के प्रधानमंत्री ने पहले छोड़ा, आम आदमी के बीच, जनता के बीच जाने के लिए भावनात्मक दबाव, मनोभाव, लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, इसको दो बड़े राजनेता, दोनों एक देश में और एक प्रदेश में, दोनों अपने अपने पार्टी के बहुत प्रबुद्ध राजनेता है, नेता के रूप में जितनी सफलता किसी को मिलनी चाहिए इन दोनों ने हासिल की है, और वो इसीलिए हासिल की है क्योंकि ये राजनीति के गूढ़ विद्यार्थी हैं। गूढ़ विद्यार्थी होने के नाते जो नया शगुफा इन्होंने छोड़ा है वो आने वाले दिनों में कितना बड़ा बन पाएगा ये देखना होगा। जनता कितना बना पाएगी और राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नेतृत्व के इस संदेश को कितना ले पाएगी देखना होगा। न्यूज 24 पर आज मेरे साथ इतना ही, कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।